जैसा कि हम जानते हैं, एक वर्ड होता है सेंड, और सेंड हमें जब बोलते हैं तो एक क्रिया बताता है कि हम किसी चीज़ को भेज रहे हैं, और उसका पास्ट होता है सेंट। तो जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया है, टू के बाद कभी भी सेंट नहीं आएगा, टू के बाद सेंड आएगा ऑलवेज। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी कि टू के बाद क्या आएगा। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसमें क्योंकि सेंड है फर्स्ट फॉर्म तो टू सेंड आएगा, लेकिन जब टू बी आ जाएगा तो उसमें टू बी सेंट आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये सेंड सेंट सेंट होती है, तीन फॉर्म्स होती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो कभी भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अर्ली अगर विल के बाद आ रहा है तो वो सेंड होगा, ऑलवेज सेंड होगा, लेकिन विल बी के बाद आ रहा है तो विल बी सेंट होगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है।